नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्शन ऑफ स्पर्म्स के बारे में बात करेंगे, यानी सर्जरी करके जब स्पर्म्स हम बाहर निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्या ये डेंजरस प्रोसीजर है, बहुत दर्द होता है क्या, बहुत लंबा प्रोसीजर है क्या, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो टीसा, इसका मतलब है सर्जिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ स्पर्म्स। में समझाती हूँ कितने तरह के होते हैं, पर इसको समझने के लिए पहले हमने अजूस्पर्मिया को समझना चाहिए। जब एक सिमिनालिसिस रिपोर्ट किया जाता है, अगर कोई स्पर्म्स ना हो, कोई यानी एक दो भी ना हो, तब ही अजूस्पर्मिया करके रिपोर्ट दिया जाता है, यानी कि स्पर्म्स नहीं है। अजूस्पर्मिया दो तरह के होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होने की वजह से स्पर्म्स बाहर नहीं आ रहे होते। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन हार्मोन्स के वजह से या अन्य किसी कारण के वजह स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे। दोनों तरह के प्रोसीजर्स में ये सर्जिकल एक्सट्रैक्शन किया जाता है, यानी टेस्टिस में जाके देखा जाता है स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं। ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि अगर बाहर स्पर्म्स नहीं आ रहे तो जहां स्पर्म्स पैदा हो रहे हैं, हम जाके स्पर्म्स निकाल के आपके स्पर्म्स के साथ, आपके वाइफ के या पार्टनर के एग्स के साथ हम एम्ब्रियो बना के प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा तरीका है। तो मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें होता क्या है, इसके कितने तरह के प्रोसीजर्स होते हैं। टीसा, परक्यूटेनियस एपिडिडिमल स्पर्म एस्पिरेशन करके होता है। ये एपिडिडिमस नामक एरिया में जाके एक छोटे से नीडल से फ्लूइड को निकाल के टेस्ट किया जाता है। इस फ्लूइड में अगर स्पर्म्स हो तो यूज करते हैं। इसमें पीसी करके भी होता है, परक्यूटेनियस एपिडिडिमल स्पर्म एक्सट्रैक्शन, जहां एपिडिडिमस का छोटा सा टुकड़ा एसेस किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, वहां पे अगर स्पर्म्स हो तो नहीं यूज किया जाता है। टीसा करके होता है, टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्शन ऑफ स्पर्म्स बाय एस्पिरेशन। तो ये टेस्टिस में जाके स्पर्म्स के फ्लूइड को, थोड़ा सा टेस्टिस के फ्लूइड को लिया जाएगा और उसे असेस किया जाएगा। उससे भी अच्छा होता है एक्सट्रैक्शन, जहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा टेस्टिस में से लेकर दिया जाएगा एनालिसिस के लिए हमारे लैब में, जहाँ पे उसे हम जब स्पर्म्स होते हैं तो उन्हें आपके प्रोसीजर के लिए यूज करते हैं। तो ये तीन चार मैंने बहुत रफली आपको ये एक्सप्लेन किए हैं। एक और होता है माइक्रोसर्जिकल एक्सट्रैक्शन, जिसमें स्पर्म्स अगर बहुत कम हो, स्पेशली ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया में बहुत अच्छा काम करता है, जहाँ एक दूरबीन आंखों पे लगाया जाएगा और यूरोलॉजिस्ट देखेंगे कि टेस्टिस में किस एरिया में स्पर्म एक दो भी अगर रहे, कुछ दिख रहा है उनको, कुछ जो यूज करने लायक हो, कुछ चंद स्पर्म्स भी हो, तो उन्हें यूज इस्तेमाल करते हुए आपके प्रोसीजर के लिए निकाला जाता है। तो ये हो गए प्रोसीजर्स। जो प्रोसीजर्स मैंने आपको पहले बताए वो बहुत माइनर हैं, उसमें कोई स्टिचेस ज़्यादा नहीं लगते, आपको ज़्यादा एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, 15 से आधा घंटे में ये प्रोसीजर्स हो जाते हैं और आपको बाहर भेज दिया जाता है रिकवरी रूम में। मीसा जो है, माइक्रोसर्जिकल एक्सट्रैक्शन जो है, थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो सकता है, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं कि कहीं तो कुछ स्पर्म मिल सकता है, तो इसमें थोड़े स्टिचेस लग सकते हैं, लेकिन अगर आपके यूरोलॉजिस्ट स्किल हैं, बहुत एक्सपीरियंस है उन्हें, तो इसमें पेन नहीं होता है। आपको आज ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे से 40 मिनट्स तक आपको बाहर रिकवरी रूम में शिफ्ट किया जाएगा। ये स्टिचेस भी आपको 3-4 दिन में ठीक हो जाएंगे और आप 2-3 दिन में काम पे जा सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है, कोई डेंजरस प्रोसीजर नहीं है आज के दिन में, लेकिन ये ध्यान रहे कि आपके यूरोलॉजिस्ट जो हैं स्पेसिफिकली ट्रेंड रहे, स्किल्ड रहे इस तरह के प्रोसीजर के लिए। सो ये जो स्पर्म्स होते हैं अच्छे क्वालिटी के हो सकते हैं, और स्पेशली जब अजूस्पर्मिया हो रहा था, जब कोई स्पर्म्स नहीं होते तो अक्सर ये किया जाता है, और कई भी कई कारण है, जैसे हाई DFI वगैरह, हाई DNA फ्रेगमेंटेशन, उनके लिए भी किया जाता है। बट अगर अजूस्पर्मिया है तो उसके लिए बहुत अच्छा वर्कआउट होता है, जहाँ पे इन स्पर्म्स को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में और जानकारी चाहिए, आपको अजूस्पर्मिया है या DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स आपको हाई बताया गया है, और आप टीसा के लिए, टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्शन के लिए सोच रहे हैं मगर डर रहे हैं, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए, इस विषय के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।